किस तरीके से हम शॉर्टकट को फाइंड करते हैं, सिलेक्शन मेथड क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, इनके बारे में हमने आपको कल आपके साथ डिस्कस किया था। और आज की करेक्ट हमारी इस क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे हम सिलेक्शन मेथड, कि हम एक पर्टिकुलर डेटा को कैसे सिलेक्ट करें, ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके तो टॉपिक की बात करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों के पास कोई प्रीवियस क्लासेस से कोई अगर डाउट्स है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन मेथड पे, तो किसी डेटा ओके एक्सेल के किसी डेटा को सिलेक्ट कैसे किया जाए। तो जनरली आप लोग क्या करते हैं कि माउस पॉइंटर्स को क्लिक करते हुए, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड माउस पॉइंटर को होल्ड रखते हुए अपने डेटा की तरफ आते हैं और आप इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है। अब सिलेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है, अब इस चीज के बारे में जानिए। देखिए, सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट सिलेक्शंस नोबडी फीचर अप्लाई इन द एक्सेल। किसी भी तरह का फीचर विदाउट सिलेक्शंस वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको पिवट लगाना है, आपको फिल्टर लगाना है, आपको कॉपी करना है, आपको मेल करना है, पेस्ट करना है, किसी भी चीज के लिए आपको सिलेक्शन की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो बढ़िया सिलेक्शन बढ़िया इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, पहले फर्स्ट थिंग। तो सिलेक्शंस जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। करेक्ट है तो सिलेक्शंस इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसकी हमारी जो ये है एक्सेल है, एक्सेल का कोई भी फीचर सिलेक्शन इस पे क्या बोलते हैं, सिलेक्शन के बाद ही वर्क करता है, करेक्ट इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो सिलेक्शन में एक तो हम माउस से सिलेक्ट करते हैं, दूसरा हम कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ एरो की यूज करते हैं तो करते हैं, ये है तरीका है। लेकिन बात करते हैं डायनेमिक सिलेक्शंस की, क्योंकि डेटा अगर आपको लाखों में है तो सिलेक्शन मैनुअल करोगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कैसे करें। कंट्रोल ऐसे भी हो जाता है ना ऑलमोस्ट हाँ, पूरा। तो वही सारे चीज पर डिस्कस बताता हूं। तो पहला आता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए मतलब कि सिलेक्ट ऑल, लेकिन इसको बोलते हैं करेक्ट प्रोग्रामिंग भाषा में बोलते हैं सिलेक्ट करेंट रीजन। ठीक है, सिलेक्ट ठीक है करेंट रीजन। ओके एक करेंट रीजन वाला जो मेथड है वो आखिर आता कहां से है वो भी आप जल्दी जान लीजिए। तो करेंट रीजन वाला जो मेथड है तो बेसिकली आता है, यहाँ आप कंट्रोल जी करते हैं मतलब गो टू करते हैं तो गो टू में आपको मिलता है यहाँ स्पेशल। स्पेशल यहाँ पे आपके पास होता है करेंट रीजन। तो करेंट रीजन में एक करेंट रीजन का एक और एक चीज है, जैसे कि अगर बीच में आपका पूरा कोई ब्लैंक रो है तो फिर एक करेंट रीजन में कंट्रोल ए आपको इतना ही वर्क करेगा, नीचे का डेटा नहीं लेगा। करेक्ट करेक्ट लेकिन इसमें अगर पूरा रो ब्लैंक नहीं है, किसी बीच में भी किसी एक रो पे अगर टाइप है कुछ डेटा तो फिर ए ले लेगा। तो पूरा रो करेक्ट ब्लैंक नहीं है फिर भी ए वर्क कर जाता है। ठीक है, चलिए पहले करेक्ट चीज। दूसरी चीज यहां पे आता है, राहुल जी मैंने आपको मैसेज कर दिया, आप ज्वाइन कर रहे हैं ना सर? तो मैंने मैसेज किया आपको मीटिंग आईडी, ज्वाइन कर रहे हैं आप? और ठीक ना, आपने बोला था ना इसलिए आपको भेजा था, बात नहीं। ओके, मुझे फोन कर लीजिएगा। तो अब इसमें जैसे कि यहाँ पे अगर एक रो में भी डेटा डाल दिया, इस रो में भी डेटा डाल दिया और फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो आप देखोगे कि वो कॉलम भी सिलेक्ट हो जाता है। करेक्ट ठीक है, तो इसका ध्यान आप बिल्कुल रखिएगा। ठीक है दूसरा चीज है कि अगर आप दो बार कंट्रोल ए दबाते हैं तो पूरा सीट सिलेक्ट होता है,
एक बार कंट्रोल ए अगर आप करते हैं तो आपका डेटा जो भी यूज डेटा है वो सिलेक्ट होता है, दो बार कंट्रोल ए दबाएंगे तो पूरा का पूरा सेल सिलेक्ट होगा। ओके ठीक है, ठीक है सर। और पूरा सेल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए ली, इसको भी ऊपर यहां पे इसको भी क्लिक किया जाता है। ओके ठीक है, तो यहां पे भी क्लिक करेंगे तो आपका पूरा सेल सेलेक्ट होता है, इसका भी ध्यान आप रखिएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं कर्सर मूविंग। जैसे मुझे सबसे नीचे आना है तो आप कर्सर को नीचे लेके आओगे या पेज डाउन करके आओगे। एक और करेक्ट। तरीका है कि कंट्रोल प्रेस कीजिए, कंट्रोल का प्रेस कीजिए और सबसे नीचे आप आ जाइए। ठीक है कि कंट्रोल प्रेस कीजिए और सबसे नीचे आप आ जाइए। ओके ठीक है, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो आसानी से। लेकिन अगर बीच में कोई ब्लैंक सेल हुआ, जैसे यहां पे ब्लैंक है, तो फिर आपका जो है वो नीचे तक यहीं तक आके रह जाएगा। ये दिक्कत है क्योंकि ये सीरीजबल चलता है। ऐसे आप करेक्ट। एरोकी के साथ डाउन लेफ्ट अप एक सारी चीजें कर सकते हो चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं नीचे लेके जाऊं तो सिलेक्शन के साथ लेके जाऊं, तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन होके आएगा। ओके ठीक है, तो ओके ये हो गया। अब इसमें ठीक है। एक चीज ठीक है, लेकिन नेक्स्ट चीज आती है बात कि जब कंट्रोल के साथ नीचे लेके आते हैं, इस तरह से सिलेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी दिक्कत होती है कि ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करें और पहले स्टार्टिंग के पे क्लिक करें, जो कि मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, फिर मैं स्क्रॉल करके सबसे नीचे आता हूँ और शिफ्ट के साथ मैं क्लिक कर देता हूं। ओके ये पूरा का पूरा हमारा सिलेक्ट हो जाता ओके है। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया किसके साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ। कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, माफ कीजिए, कंट्रोल के साथ, क्योंकि कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो मल्टी सेल सिलेक्ट होता है। जैसे इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल पे इसको किया, वापस इसको किया और इसको किया, तो देखिए कि मल्टी सेल सिलेक्ट हुआ। तो कई सारे सेल्स अगर आपको सिलेक्ट करना है तो हम यूज करते हैं कंट्रोल। ठीक है, शिफ्ट जब यूज करोगे तो क्या होगा, शिफ्ट यूज करोगे तो पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग करेक्ट। और एंडिंग लेके सिलेक्ट करेगा। और कंट्रोल करोगे कई सारे, और ये फीचर्स आपके नंबर ऑफ सीट को सिलेक्ट करने पे भी अप्लीकेबल होता है। किसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में सिलेक्ट करोगे तो पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए, अगर इसमें से कोई कोई सीट सिलेक्ट करेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ कर सकते हो, तो जो जिस जिस पे क्लिक करोगे वही सिलेक्शन होगा। और यही सेम फीचर अगर कोई पर्टिकुलर फाइल, जैसे डेस्कटॉप पे फाइल है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया तो पूरा फाइल सिलेक्ट हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन अगर मैं कंट्रोल दबा के फाइल को सिलेक्ट करूं तो जिस जिस पे क्लिक करूंगा सिर्फ वही पे फाइल एंड फोल्डर हमारा सिलेक्ट होगा। तो ये फीचर्स विंडो का करेक्ट। फीचर है जो कि एक्सेल पे भी अप्लीकेबल होता है। समझ गए, तो करेक्ट करेक्ट। डेटा को सिलेक्ट करना आ गया आपको, कोई डाउट नहीं इसमें नहीं नहीं कोई डाउट नहीं। रितेश जी? आपको सिलेक्शन के बाद हम बात करते ओके हैं फाइल मेनू पे। अब मेनू बार का आप देखिए, अब हम चलेंगे मेनू बार के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ओके अभी हम अब जो है अब मेनू बार के अकॉर्डिंग चलेंगे। और मेनू बार में जैसे पहले देखिए, हम बात करें फाइल मेनू बार में, तो फाइल मेनू बार में आप ओके देखेंगे तो यहां पे आपके पास
इन्फो है जो कि फाइल से रिलेटेड इन्फो देते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज है। और प्रॉपर्टीज का भी एक अच्छा खासा यूज हम लोग करते हैं। देखिए जैसे कि कोई फाइल है डे थ्री नाम लिखा हुआ है, और डे थ्री ओके फाइल से नाम से मुझे ये तो पता नहीं चल रहा है ना कि डे थ्री आखिर है क्या। अब जब तक इस फाइल के बारे में जानने के लिए, जब तक मैं इसको डेटा को ओपन नहीं करूंगा, तब तक मुझे इसके बारे में नहीं पता चलेगा। इसके बारे में पता करेक्ट करने के करेक्ट लिए मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। तो होता है कि ऑफिस में आपके बहुत सारे ऐसे फाइल है, जैसे केजुअली बुक वन, बुक टू, डेटा वन, डेटा मर्ज डेटा, ऐसे नाम आप दे देते हैं। तो कुछ दिनों तक तो आपको करेक्ट याद रहती है, लेकिन 6 महीने बाद, 2 महीने बाद आप भूल जाते हो। तो आपको एक एक फाइल को ओपन करना पड़ता है, और हम करेक्ट फाइल करेक्ट को सर्च करने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि एक तरीका, सिंपल तरीका, कि कैसे हम फाइल को, जो इंपोर्टेंट फाइल है, उसको हम प्रॉपर्टी मेंटेन कर दें, तो हमें फाइल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज, सर्चिंग में भी ज्यादा हेल्प ओके करेगा। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में गया, और डिटेल्स में हमने दे दिया यहाँ पे कि फास्ट ट्रैक क्लास डे थ्री फाइव, ठीक है। ये टाइटल हो गया। सब्जेक्ट में कुछ डालना है तो डाल दीजिए। उसके टैग, टैग जो होता है 10 कीवर्ड, कि इस फाइल को और आप कितने तरह से खोजोगे, समझे। जैसे कि होता है ना कि अब एक्सेल की ट्रेनिंग के लिए कोई एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सर्च करता है, कोई एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग क्लास सर्च करता है, तो मुझे अपने वेबसाइट पे उस सारा कीवर्ड को रखना पड़ता है। उसी तरह से इस फाइल को आप और किस क्या क्या नाम से सर्च कर सकते हो, ओके वो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और किन किन नामों से लिखना है, तो टैग में वही होता है, तो कॉमा लगा के आप अपने कीवर्ड्स को लिख सकते हैं। ओके 1 मिनट दीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया एक्सल, यहाँ पे आ भी जाता है, जैसे एक्सल वीवीए, इस तरह से कीवर्ड लगा के माइक्रो इस तरह सर्च कर लो। अब हो गया, इस कैटेगरी कमेंट और भी जो चीजें डालना है डाल दीजिए, अप्लाई कीजिए। जैसे इस पे आप एक बार रिफ्रेश कर देता हूं मैं, जैसे मैं इस पे कर्सर रखूंगा, देखिए यहां पे आ गया फास्ट ट्रैक क्लास डे थ्री। करेक्ट तो अब मुझे इसको सर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ेगी इजिली ढूंढने में आ रहा है। और यही नहीं, अगर मैं मान लीजिए कि अपने फोल्डर में या फाइल में जाके सर्च करूंगा, मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया वीवी है, एंटर मारता हूँ। अब देखिए डे थ्री में नाम में वीवी है नहीं है, लेकिन हमें टैग में वीवी डाला हुआ है, तो देखिए इसने सर्चिंग ले ली, करेक्ट समझ गए। ठीक है सर, समझ में आ गया। आ गया। तो ये फाइल की प्रॉपर्टी मेंटेनेंस होती है। तो प्रॉपर्टी अगर आप मेंटेन करते ओके हो, तो आपके लिए वो बेनिफिट होता है। करेक्ट सर्चिंग में और बाकी चीजों में आपको ज्यादा फायदा है, क्योंकि हम बहुत टाइम खर्च करते हैं अपने इस पे सर्चिंग पे। तो हाँ, ढूंढने में फाइल में आप जो है वो करेक्ट चीजें फाइल मेनू बार में भी जाओगे, तो आप देख सकते हो कि क्या-क्या इसमें डला हुआ है, वो भी चीजें आपको दिख सकता है। न्यू पे जब क्लिक करते हो, तो आपके पास जो है न्यू वर्कशीट, उसके अलावा टैम्पलेट्स होते हैं। अब टैम्पलेट्स काफी ज्यादा, हम मैं समझता हूँ काफी ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों कि मान लीजिए ऑफिस में आप काम करते हो, और आपको कुछ ऐसा कुछ बनाने को बोल दिया जो कि आपने इससे पहले कभी बनाया ही नहीं,
जैसे मान लीजिए कि इनवाइस के लिए बोलिए, एक इनवाइस, एक बिल का, या मान लीजिए एक वर्क ऑर्डर देना है आपको किसी वेंडर को, और वर्क ऑर्डर का एक टेम्पलेट आपको डिजाइन करने के लिए बोला गया। करेक्ट. आपने इससे पहले कभी वर्क ऑर्डर का टेम्पलेट ना देखा है ना बनाया है, या फिर देखा है तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, आपको समझ में नहीं आ रहा है जल्दी कैसे करना है। तो आप टेम्पलेट ओके. जाए और यहां पे सर्च करें वर्क ऑर्डर, तो आपके लिए कुछ ना कुछ करेक्ट. टेम्पलेट्स बन के आ जाएगा। लेकिन ये ऑनलाइन है, इसके लिए इंटरनेट का एक्सेस होना जरूरी है, इसका ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके. वर्क ऑर्डर इनवाइस ऐसे सर्च करके आपको दे देगा। करेक्ट. आ गया, इस आगे तरह की हो गया, तो वर्क ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे बिल सर्च कीजिए तो बिल से रिलेटेड आ जाएगा, रिपोर्ट्स हैं, या फिर मान लीजिए ब्लैंक शीट है, बैलेंस शीट है, या ट्रायल बैलेंस है, ऐसे जो चीज है कि आपके हैं नहीं आपको बनाना पड़ रहा है, तो उसके लिए यहाँ से सेलेक्ट करना है, डाउनलोड करना है, जस्ट, और कुछ नहीं करना है। ओके. ठीक है सर. थैंक यू. ठीक ठीक है ना, तो ये आप यहां से ले सकते हैं। है सर. अब बात आती है कि एक टेम्पलेट होता क्या है, क्या हम बना सकते हैं? अच्छा ये बताइए, आप लोग अभी रिपोर्ट ऑफिस में बनाते हैं तो क्या करते हैं कि प्रीवियस रिपोर्ट को ओपन करते हैं करेक्ट. उसी को मेंटेन कर लेते हैं, उसमें उसी को काट छांट सेव, उसी करके. को सेव सेव एज करते हैं आज के डेट से, और उसको आप एक करते हैं। लेकिन कभी कभी ये दिक्कत है। नॉर्मली कुछ टेम्पलेट जो जरूर बना के रख भी लेते हैं. तो बेसिकली आप अपने रिपोर्ट्स की जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे आप अप लोग मेंटेन कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको ही बता, जैसे कि मान लीजिए कोई भी फाइल है उसको जो है सेव एज टेम्पलेट कर देंगे ना आप यहाँ से, राइट, सेव एज करते समय क्या हो गया, ब्राउज़ में या नीचे आपका जो आता है एक्सेल फाइल टाइप, इसमें टेम्पलेट कर दें, तो क्या होगा कि जैसे कि जब भी आप बुक वन खोलते हो, एक्सेल फाइल खोलते हो, बुक वन होता है, ऐसे आपको जो है टेम्पलेट वन, टेम्पलेट टू, टेम्पलेट थ्री ऐसे बार बार ओपन होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको, जैसे देखिए मैंने क्लास फाइल लिख रहा है आपको, टेम्पलेट बना रखी है, जब भी मैं इसको ओपन करता हूं तो क्लास फाइल वन, इस तरह का टेम्पलेट का आइकन होता है, क्लास फाइल वन, क्लास फाइल टू, क्लास फाइल थ्री, ऐसे ओपन होता है। इससे क्या होता है कि मेरी ओरिजिनल क्लास फाइल चेंज नहीं होती। देखिए क्लास फाइल वन आ गया और एकदम ब्लैंक मिलता है, पढ़ देते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग में ठीक है मैंने सर. आपको सिलेक्शन मेथड के बारे में बताया, उसको आपने देखा, आगे जाने देते हैं क्योंकि